जो दिशान थान का सच्ची मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। और इस समय आपको हम हिस्ट्री की श्रृंखला को पढ़ा रहे हैं और आज जो है कि हिस्ट्री की श्रृंखला में आपको हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को कराएंगे और जिसके प्रश्न मैं परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता इतिहास का एक ईवर ग्रीन टॉपिक है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं। लगभग हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठते रहे हैं। रिसेंट हिस्ट्री नाम से पेरेट सेव है लेक्चर वीडियो, वहाँ पर हमने आपको हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, उससे आप नोट बना सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में आप एक बहुत अच्छी अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। इसके पहले हमने आपको ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल, इन सभी के विषय में विस्तार से पढ़ाया है, तो MCQ से पहले एक बार उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। आइए हम देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके सामने ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है आपका लोथल, ऑप्शन डी है आपका दयनाबाद। आप स्वयं सोच करके देखिएगा आपके हिसाब से कौन सा आसन सही हो सकता है, क्या आंसर होगा, कौन सा आसन सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा आपका सही होगा, कालीबंगा से हमें युद्ध साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता से महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। आपके सामने ऑप्शन है सुथोटदा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है आपके लोथल और डी है आपका पैठन। आपके हिसाब से क्या सही होगा ये आप हमें सोचिएगा और कमेंट में आप लिख भी सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले, अगर आपको पता है तो इससे आप अभ्यास तुरंत आप कर भी सकते हैं इस तरह से। आइए हम सही देखते हैं, सही आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो आपका सही होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, चंदूहड़ों के उत्खनन का कार्य किसने कराया था। आपके सामने ऑप्शन ए मैके, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी है आपका रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन डी है आर बिस्ट। चंदूहड़ों के उत्खनन का कार्य मैके ने करवाया था, मैके आपका राइट आंसर होगा। मैके चंदूहड़े से हमें क्या मिला है खुदाई में, अगर आपको पता है तो हमें आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी है आपका हिंडन, ऑप्शन डी है आपका रवि। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ऐसा कोई एग्जाम शायद ना हो जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन नहीं आए हैं, अगर उसमें जीएस आ रहा है तो। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। लेक्चर वीडियो को देखिएगा आप, प्रैक्टिस एमसीक्यू की अलग सीरीज है, लेक्चर वीडियो की अलग है, लेक्चर वीडियो को आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको हमने मैप से बताया है नदियों का बहने का क्रम कहाँ कहाँ से था। कुछ भाग आपके पंजाब में पड़ते हैं, कुछ भाग आपके इंडिया में पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब उत्खनन का कार्य प्रारंभ होता है हड़प्पा क्या, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, इस वजह से कुछ आपके क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, कुछ आपके हिंदुस्तान में ही रह गए। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, आपको हमने बहुत अच्छे से मैप से पढ़ाया है, एक एक बात हमने वहाँ पर डिस्कस की, बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है। नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आगे हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर वीडियो, प्राचीन इतिहास लिखा हुआ उसमें, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किसने किया था। ऑप्शन ए माधव सरोवर, ऑप्शन बी रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी व्हीलर, ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। हो सकता है इसमें से आपके सामने कोई एक ऑप्शन रखे, रखाल दास बनर्जी ने शुरुआत की थी 1921 में, हो सकता है इसके सामने कोई एक ऑप्शन रखे, दो और रखे, आपसे पूछे उसमें से 2, 1 या 3 या 2 या 4 या पिक में से सब, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब एक
संबंधित वस्तु काफ़ी पॉपुलर हो, हड़प्पा काफ़ी जो है कि प्रसिद्ध है, वहाँ से अगर दो तीन चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, उत्खननकर्ता जुड़ जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे बन सकते हैं। तो इसमें याद रखेंगे आप तीनों होंगे आपके, हाँ सुनो वस्त्र, रखालदास वर्जी और होयलस, तो आप क्या टिक करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। तो आपके ये रहे कुछ क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपको सामने ही रहा, ऊपर देखिएगा, रंगपुर की सदी के किनारे स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगवा, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी दाश, ऑप्शन डी हिंडन। रंगपुर की जो खुदाई है रंगनाथ राव ने की थी, और किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए भगवा, ऑप्शन डी मदर, ऑप्शन सी दाश, ऑप्शन डी हिंडन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मादर नदी। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, नदियों के लिए हमने विचार से आपको बताया है कौन सा स्थल कहाँ पर संबंधित है, लेक्चर वीडियो का आप जरूर देखिएगा। आगे हम देखते हैं, उपयुक्त में से कितने सही सम्मिलित हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें पीसीएस जैसे एग्जामों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कभी कभी वनडे एग्ज़ाम की जो परीक्षा होती है, चाहे कि आपका पेट का हो या फिर और कोई परीक्षा होती है, वहाँ पर भी कभी कभी टफ क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं कैसे हो सकते हैं। जैसे कि आपके सामने चार हैं कि कौन सा सुमेरिकित है, रंगपुर, रखालदास मुखर्जी, धरावीरा, जेपी जोशी, हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, रखालदास मुखर्जी। अब आप ये देखिए कि इसमें से कितने कथन है वो सही, इनका मिलान सही हुआ है, कितने पर जो जानकारी वो सही लिखी हुई है। देखिए देखिए क्वेश्चन छः में देखते हैं, नीचे आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए एक दो तीन, ऑप्शन बी तीन और चार, ऑप्शन सी चार तीन दो, ऑप्शन डी आपका एक और चार। ठीक है, तो अगर आपको एक भी ठीक से नहीं पता है तो हमेशा क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, हो सकता है आपको कुछ जानकारी हो और वो ऑप्शन में आपको मिल जाए, थोड़ा देख करके क्या करिए जिससे आप सही उत्तर को आप में बता चेंज कर सकें। देखिए रंगपुर तो गलत है क्योंकि इसका रंगनाथ राव होता है, धोलावीरा जेपी जोशी वो सही है, जो धोलावीरा का जो उत्खनन कार्य है वो जेपी जोशी ने कराया था। कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी पूछता है कि धोलावीरा का उत्खनन कार्य किस इतिहासकार ने कराया था या उत्खननकर्ता ने कराया था, तो आप क्या कहेंगे, जेपी जोशी कहेंगे अगर आपके ऑप्शन में है तो। कभी कभी क्या होता है ना कि डी वाला हो जाता है, कुछ में से कोई नहीं, तो हमेशा याद रखें जरूरी नहीं कि वहाँ पर जो ऑप्शन हो सही हो। और ये बिहार परीक्षा जो आपकी हुई थी यूपीएससी की, वहाँ पर तो काफ़ी देखने को मिला था 1-5 वाले में, बहुत सारे ऑप्शन कुछ में से कोई नहीं थे। आगे हम देखते हैं हड़प्पा, हड़प्पा को किसने की थी, हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की थी। दो और इतिहासकार थे, उत्खननकर्ता थे, अगर आपको नाम पता है तो मैं आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते मोहनजोदड़ो, इसी खुदाई किसने की थी, रखालदास वर्जी ने की थी। आपके सामने आप देख लीजिए, पहला जो कि इसमें ऐड है नहीं हो जाएगा, तीसरा चौथा ऐड है, तीसरा दूसरा ऐड है नहीं भी नहीं होगा, पहला चौथा देखिए ऐड है नहीं भी नहीं होगा। सही क्या होगा आपका, देखिए चार तीन दो, काम करते हैं इसमें हमेशा ऐसे होता है, मार्किंग फर्स्ट में दी होती है, ऐसे जो कि दिया होता है। ठीक है, साइड में नंबर लिखे होते हैं, उसके हिसाब से आपका ये बिल्कुल सही होगा, 4-3-2। मंदिरों का खालस मुर्जी है, गुलाबेदा का जेपी जोशी है, हड़प्पा के जयराम सहनी है, तो इसे हमेशा आप याद रखिएगा। कभी कभी सिंगर ने पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ था, उत्खनन कार्य कितने शुरू हुआ था। आगे देखिए ऑप्शन आपका सेवन है, ये आपका उपयुक्त में से कितने सही सम्मिलित हैं, तो क्वेश्चन टाइप छः हमने करा ऐसा ही कुछ, अब क्वेश्चन टाइप सेवन देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि हम कहें आपसे कि कहाँ से हमें कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है, जैसे कि लोथल से लहसुन, आपके अकॉर्डिंग क्या सही लोथल से लहसुन मिले थे, और नहीं मिले तो कहाँ से मिले थे भी सोचिए, मलावीरा से जलाशय मिला, कोटापारा से भट्टी मिली, बालू से क्या मिला, पत्थर मिला, तो क्या ये चीज़ें सही है, इन्फॉर्मेशन क्या सही सम्मिलित है। ये देखिए लोथल तो हमेशा याद रखेंगे पत्थर के लिए जाया जाता है, और मलावीरा से जलाशय, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोटवाला किसके लिए जाया जाता है, कोटवाला भट्टी के लिए जाया जाता है, ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये भी सही हो गया आपका, बालू से पतंग के साक्ष नहीं मिले थे। ठीक है, तो लोथल क्या है, लोथल आपका जो है कि
आपका बंदरगाह या पत्तन था हड़प्पा का, कई बार सिंगल क्वेश्चन पूछता है, पत्तन के रूप में मशहूर था या पत्तन के लिए विख्यात था या पत्तन के लिए जाना जाने वाला शहर कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में बने। वो बताइए, स्थान बताइए जो कि अपने विशाल जनसंख्या प्रणाली या बांधों के लिए विख्यात था, या ऐसा बताइए जहाँ से स्टेडियम के या फिर आधुनिक बांध जैसी निर्माण इकाइयाँ मिली हुई हैं, तो क्या था हड़प्पा जलाशय दरावीरा से मिला है, कोटवाला से भट्टी के साक्ष्य मिले हैं, बालू से हमें लहसुन के साक्ष्य मिलते हैं, बालू कहाँ वाला राजस्थान में है आपका। ठीक है, तो ये रही आपकी कुछ जानकारी जो कि आपका बालू आपका हरियाणा पड़ेगा, बालू का क्षेत्र आपका हरियाणा में है, हरियाणा जो था आपका जो है कि पत्तन है, हरियाणा जलाशय है, कोटवाला भट्टी है, बालू के साक्ष्य आपके जो है कि यहाँ से बालू से लहसुन के हमें साक्ष्य मिलते हैं, इसमें से आपका ऑप्शन 2 और 3 सही होगा। देखते हैं आपसे हमें जरूरत हो जाएगा 2, 3, 4 4-1 ये भी गलत होगा और 3-2 ये भी गलत होगा। बीपीएससी परीक्षा में काफी नंबर होता है, ठीक है, तो हमेशा देख करके टिक करें क्या सही हो सकता है क्या नहीं सही होगा, तो इसमें से केवल मात्र 2 और 3 ही आपके सही हो रहे हैं। ये देखिए ये ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा 2 और 3 दलावरा से जलाशय से कुटवारा से भट्टी के में साक्ष्य मिलते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए करें कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन क्या है, 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन है, बीपीएससी हमेशा 5 ऑप्शन पूछता है, बाकी में आप हमेशा 4-4 ऑप्शन पाएंगे। थैंक यू, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हड़प्पा में हमने आपको लेक्चर वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से पढ़ाया है, उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसके अलावा पाषाण काल भी हमने विस्तार से पढ़ाया है, वो भी आप अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपकी जो समझ इतिहास के प्रति मजबूत होगी। और ये जान लीजिए कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है कि जानकारी के लिए ना हो, और हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, भले वो कंपटीटर हो या ना हो, उसको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को आपके घर में कोई पढ़े, आपसे कुछ पूछे, तो भले ही आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन आप जब सुनेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगी चीज़ें। ऐसे में पढ़िएगा, जितने भी शौकीन हैं पढ़ने वाले वो सभी अच्छे से पढ़ा करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, आपका कोई सुझाव है, आपकी कोई राय है तो मैं आपको इनबॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।